देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी और जो जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज़ को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहाँ तक रही बात हमारा जो निर्णय है उसके विरुद्ध डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज़ हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। काफ़ी दिन लगे पुलिस को निष्कर्ष में पहुँचने, फुटेजेस बहुत ज़्यादा थे, उनकी जांच करना, बारीकी से जांच करना, इसलिए समय लगा। जी देखिए, जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोस थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ कुछ जो बॉर्डर लाइन इशूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योरिटी श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुँचे, इसके लिए टाइम ज़रूर लगा है। लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं है। सर, हमने देखा है इस पूरे मामले में काफ़ी विवाद हुआ, नेशनल लेवल पे विवाद हुआ है, तो क्या मानते हैं नागपुर पुलिस की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को क्लीन चिट नागपुर पुलिस से दिए? देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अटरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है।